मुस्कुरा रहे हैं पहले से ही प्रदीप भंडारी। हम जिस सीट की बात करने वाले हैं वो वायनाड की सीट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वायनाड ऐसी हॉट सीट जिसमें ऐसा कांग्रेस पे कहा जा रहा था कि सेफ सीट चुनी है राहुल गांधी, सेफ सीट ही चुनी है। तभी अमेठी के अंदर जब हम आएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी स्ट्रांग लड़ाई है और अमेठी कैसे सरप्राइज कर सकती है, पर वायनाड एक सेफ सीट है। पूरा समीकरण वहां पे कांग्रेस के पक्ष में है और वो सीट राहुल गांधी निकाल लेंगे। और जो इसका सिर्फ और सिर्फ लॉजिक समीकरण है 49% और इसी वजह से शायद कांग्रेस ने चुना भी है, क्योंकि सेकंड सीट चुनने अमेठी के समय और अमेठी की बात हम बाद में करेंगे, क्या होगा असर अमेठी पर, इसकी बात हम अमेठी की जब सीट दिखाएंगे तो उसकी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद है, वायनाड की सीट को देखकर ज्यादा खुश मत होइए क्योंकि इसका असर अमेठी पर दिखाई देगा। अभी वो सीट बनारस पर जो असर दिख रहा है उसे आप कैसे निकाला? अरे मैसेज चला गया कि राहुल गांधी बात कर रहे हैं, बात कर वायनाड चला गया, मैसेज चला गया पूरे देश में, पूरे देश में मैसेज गया। इसमें भी एक माहौल वायनाड मान रहे हैं ना, जीत रहे हैं वो तो पूरे देश को पहले दिन से ही मालूम है, जीत रहे हैं वायनाड ने बताया जब कांग्रेस पार्टी जीत गई। मुझे तो लगता ही नहीं, ये बताइए वायनाड जब गए आपने जो आंकड़े एक बार प्रस्तुत किए उसके आधार पर दूसरे चैनलों ने अपने आंकड़े जारी कर दिए, लेकिन मुझे ये बताइए।